lovely people out there. Welcome back to Shreyansh TV. And before starting our video, I would like to thank you all for showing so much of love and interest to our channel and to our videos. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को. एंड आज की वीडियो भी उसी कंटिन्यूएशन में सेम थीम पे हम लोग लेके आए हैं. लाइक आज हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो इक्विपमेंट मैंने परचेज किया था, दैट इज़ अ प्लेट एंड हाउस, जो इस टाइप के बॉक्स में अवेलेबल, मतलब मुझे रिसीव हुआ था. इट्स अ थ्री पीस प्लेट एंड काइंड ऑफ समथिंग पीस था. इसमें एक, जैसे इस वीडियो में हम आपको फर्दर शो करेंगे, लेकिन इस बॉक्स में रिसीव हुआ था और वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड वेरी इजी टू असेंबल है. आप इजीली घर में उसको सेल्फ असेंबल हो सकता है. एंड इट्स अ पॉलिएस्टर काइंड ऑफ टेंट. इसमें थ्री पीसेस में ये अवेलेबल हुआ था हमें. वन पीस इज काइंड ऑफ बॉल पूल, उसमें एक बास्केट भी अटैच हो रखा है. मिडिल पीस इज अ क्रॉलिंग टनल. एंड फ्रंट पीस जो उसका है, उससे हट काइंड ऑफ हाउस का शेप का एक पीस रिसीव हुआ है. तो इट्स अ थ्री पार्ट टेंट. इसको आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज असेंबल करके भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम तो मोस्टली उसको, देयर आर टाइज अवेलेबल, उसको टाई करके असेंबल करके ही यूज़ करते हैं. तो इफ़ आई कम टू द प्राइस पार्ट, तो ये हमने 1700 समथिंग का परचेज किया था फ्रॉम अमेजोन. लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ वी आई विल टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो प्राइस वाइज देखा जाए तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. जस्ट अ पॉलिएस्टर टेंट जिसमें कि कोई कुशनिंग नहीं है, तो बच्चा जब क्रॉल करता है तो थोड़ा चोट लगने का डर रहता है. इसलिए हम लोग तो हमेशा फ्लोर पे मैट बिछा कर इसको उसके ऊपर रखते हैं, तभी बच्चा उसमें प्ले कर पाता है. बाकी अगर देखा जाए बेनिफिट्स या एडवांटेज जो इसके मुझे लगे, जो क्यांश के साथ, क्यांश बहुत इन्जॉय भी करता है इस एक्टिविटी को. एंड टू किड्स कैन ईजिली प्ले. तो अगर आप बच्चे के फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके पास आता है, या बच्चों की कई बार हम प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस टाइप में भी ये टाइम में यूज़ हो सकता है. दूसरा, इट्स अ वेरी गुड बर्थडे गिफ्ट अगर किसी को आप देने की सोच रहे हैं तो. बाकी ये कि 2+ ईयर्स के बच्चों के लिए इट्स वेरी मच सूटेबल. क्यांश अभी खेल लेता है थोड़ा, अभी 1-2 महीने से ही इससे खेलना शुरू किया है. बाकी पहले वो इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता था उतना ज़्यादा. तो ये तो थी प्रोडक्ट की बात. बाकी देखा, और दूसरा ये है कि एडवांटेजेस की बात मैं कर रही थी, तो एडवांटेजेस इसके ये हो सकते हैं कि बच्चा जो होता है ना, इसमें अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करता है, मतलब लार्ज मसल्स यूज़ होती हैं. तो जैसे लेग्स की मसल है, आर्म मसल है, टॉर्सो मसल्स यूज़ करता है, तो इससे बच्चे की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. दूसरा, ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्हांस होती हैं. हम अपनी वीडियोज़ में मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स की बहुत बातें करते रहते हैं. तो मोटर स्किल्स वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चा अपना लार्ज मसल्स यूज़ करता है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, क्लाइंबिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, थ्रोइंग एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ कम अंडर मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स. एंड फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स में लाइक जिसमें स्मॉल मसल्स यूज़ होते हैं, लाइक फिंगर्स के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे राइटिंग, ऑल दीज कम्स अंडर फाइन मोटर स्किल. तो इससे बच्चा अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्हांस कर सकता है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है. दूसरा है कि गुड आउटडोर एक्टिविटी है. अगर आप इसको, मतलब कोलैप्स करके, कोलैप्सिबल टेंट है, इजीली आप कैरी कर सकते हैं बाहर से आउटडोर में, वहाँ पे बच्चा इजीली खेल सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ. इफ़ यू आर गोइंग फॉर आउटडोर पिकनिक और समथिंग, तो वहाँ बच्चे को एंगेज करने के लिए अच्छा एक ये हो सकता है टॉय. दूसरा ये कि अभी फॉर आर्ट्स यू कैन प्ले, किड कैन प्ले इजीली इन दिस फॉर आर्ट्स. अब और दूसरा, इसका बॉल पूल जो है उसमें एटलीस्ट, मतलब इसके साथ बॉल रिसीव नहीं हुई थी हमको, तो इफ आई, जहाँ तक मुझे याद है 40-50 बॉल्स आई परचेज, बट वो इसके लिए सफिशिएंट है नहीं. इसमें यू रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 200 बॉल्स तो हमें चाहिए, तभी एज अ बॉल पूल ये यूज़ हो सकता है. तो ये तो था प्रोडक्ट का रिव्यू. नाउ विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स चेक क्यांश कैसे इसके साथ अपने आप को एंगेज रखता है, कैसे खेलता है, काफ़ी इंजॉय करता है. Thank you.
उसकी वीडियो में देख ही लिया होगा, कैच अपने आप मतलब कैसे उसमें क्रॉल करके जाता है, काफ़ी इंजॉय करता है, बॉल के कलर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है एंड उसको बास्केट में थ्रो करता है। तो ये है इस तरीके से अपने आप को हम कैच को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। इसी तरह से अपना लव और सपोर्ट हम लोगों को आप प्लीज़ देते रहिए, आगे आगे हम और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।